हमने क्या डिस्कस किया था? हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास वाटर कॉलम है, लिक्विड कॉलम है, जहाँ लिक्विड भरा हुआ है, इसके बेस के ऊपर जो प्रेशर होगा वो एच रो जी होगा, ये हमने किया था। फिर हमने सेकेंड पॉइंट ये किया था, यहाँ पे आ जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने आपसे ये पूछा था कि बताओ ए पॉइंट का प्रेशर कितना है, तो आपने क्या बोला था? पी एटमोस्फेरिक। फिर मैंने पूछा बी पॉइंट का प्रेशर क्या है, तो आंसर पी एटमोस्फेरिक, क्योंकि बी पॉइंट पानी के अंदर तो गया भी नहीं है, सरफेस के ऊपर है और एयर के कॉन्टैक्ट में है। फिर मैंने पूछा सी पॉइंट का प्रेशर क्या है, मैंने शॉर्टकट करवाया था, सी पॉइंट का प्रेशर है एटमोस्फेरिक तो होगा ही होगा प्लस एच वन रो जी भी होगा। तो सी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच वन रो जी। डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच टू रो जी। तो ये लिखना आ गया। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर मान लो आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ए और बी दो पॉइंट्स हैं, लिक्विड के अंदर हैं, तो आप बी का प्रेशर ज़्यादा बताएंगे ए के प्रेशर से। बी का प्रेशर ज़्यादा होगा, वो डेप्थ पे है, ए के प्रेशर से कितना ज़्यादा है? फाइंड प्रेशर का डिफरेंस। बी और ए के बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा? एच रो जी। इसमें पी एटमोस्फेरिक मत लगाना, क्योंकि मैंने प्रूफ करवाया था कि बी के अंदर भी पी एटमोस्फेयर आता है, ए के अंदर भी पी एटमोस्फेयर आता है, और दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ लिक्विड का प्रेशर बच जाता है और कुछ नहीं बचता। तो इसलिए इन दोनों का जो प्रेशर है पी बी माइनस पी ए, वो आपने क्या प्लेस करना है? एच रो जी। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि लिक्विड की ट्यूब कैसी मर्जी हो, अगर लिक्विड का लेवल एच है हर ट्यूब में, तो ऐसे केस में प्रेशर ए बी सी डी पॉइंट पर एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये भी आपने डिस्कस किया। फिर मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लो ये आपके पास एक कंटेनर है जो कि रेस्ट पे है, इस कंटेनर का जो लिक्विड है वो कुछ ऐसा है, ये कंटेनर सपोज मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो सूडो फोर्स तो लगेगी नहीं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी पे मूव कर रहा है, तो ये लेवल ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी कोई सूडो फोर्स नहीं है, जिस वजह से ये लेवल विल रिमेन सेम। लेकिन वो क्वेश्चन में ये पूछेगा ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, एक्सेलरेशन है, तो लिक्विड ऐसा कुछ हो जाएगा, लिक्विड अपनी शेप ऐसी ले लेगा, जितना ये एक्सेलरेट करेगा लिक्विड पीछे की तरफ जाएगा बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो ये डायग्राम आपने प्लॉट करना है सूडो फोर्स की वजह से। फिर अगला क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि आपके पास ये एक्सेलरेशन है और ये आपका लिक्विड है, ये शेप है लिक्विड की, तो इस केस में ये एंगल कितना है? थीटा। ये थीटा निकालो। थीटा निकालने का तरीका मैंने ये बताया था, कहीं भी एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ले लो, यहाँ पर एक और एक्सेलरेशन है बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स का कॉम्पोनेंट पीछे लगेगा, और इस तरफ अगर मैं यहाँ से एक जो है इनका वेक्टर सम लूँ, तो ये क्या आएगा? जी अफेक्टिव आएगा, नेट एक्सेलरेशन आएगी जो कि वेक्टर सम होगा ए का और जी का। तो ये जो जी अफेक्टिव की वैल्यू आएगी, मैंने बताई थी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर पर जी स्क्वायर मार्क कर देना, और सबसे बड़ी बात ये एंगल निकाल लेना, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन का केस बना हुआ है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इस ट्राइंगल में अगर ये साइड ए है तो नीचे वाली साइड भी ए है, तो टैन थीटा को लिख लेना ए डिवाइडेड बाई जी, तो थीटा इज टैन इनवर्स ए बाई जी। तो जो एंगल ये निकलेगा वही एंगल ये निकलेगा, तो अपने क्वेश्चन के अंदर ऐसे कुछ आपने मार्क कर लेना है, ठीक है? ये पॉइंट डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट, अगर सपोज करो आपके पास फिर से एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये देख रहे हो एक्सेलेटेड फ्रेम है, इस एक्सेलेटेड फ्रेम में लिक्विड एस है, ये भी बात समझ में आ रही है, लिक्विड एस है और मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, ये भी समझ में आ रहा है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? अब मैंने आपको ये सिखाया था कि ये एक्सेलेशन जी है, ये वाला एक्सेलेशन ए है, और इनका जो नेट जो वैल्यू आएगी वो मान लो ये आ रही है जी अफेक्टिव। आपको हाइट ये नहीं गिवन, वर्टिकल हाइट नहीं गिवन, अगर आपको ये हाइट गिवन होती तो प्रेशर डिफरेंस एच रो जी यूज करता, मैं एच के साथ जी यूज करता, क्योंकि एच हाइट जी के साथ जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि यहां पर एच हाइट जी के साथ नहीं जा रही, इसके साथ नहीं जा रही, इसके साथ जा रही है, मतलब जिस डायरेक्शन में जी अफेक्टिव है उस डायरेक्शन में ये एच है। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जिस डायरेक्शन में क्या है, जी अफेक्टिव है, उस डायरेक्शन में एच है, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एच डिस्टेंस नीचे कोई ए पॉइंट है, यहां प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? अब आपने क्या लगाना है? पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी, नहीं
एच रो जी अफेक्टिव, क्योंकि एच की जो डायरेक्शन है वो किसके साथ जा रही है, जी अफेक्टिव। तो अगर आपकी हाइट बिल्कुल वर्टिकल है फिर आपने जी ले लेना है, अगर आप पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल ले रहे हो फिर आपने ए ले लेना है, लेकिन अगर आप कहाँ पे जा रहे हो, जी अफेक्टिव के साथ, फिर आपने जी अफेक्टिव के साथ एच हाइट लेना है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, जिस डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में एच है वहाँ पर जो नेट जी होगा उसी को यहाँ प्लेस करना है, नहीं तो करना नहीं। तो एच रो जी में यहाँ पर क्या लगाना है, जी अफेक्टिव, और जी अफेक्टिव तो हमने निकालना सीख ही लिया। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? से? देखो ये वाला, देखो मैंने, नहीं, ये कुछ नहीं है, ना ये तो पी किसी प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती, ये तो बस वैसे ही बना रखा है मैंने, कुछ नहीं है, बस हवा में प्रेशर पी एटमोसफेयर है, इसका मतलब ये है, इसका कोई एरो को मतलब नहीं है, ठीक, तो इसका कुछ नहीं है। तो इसमें एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, ये दोबारा समझा दो। मैंने ये कहा कि अगर मान लो आपके पास कंटेनर एस है और मैंने आपको सीधी हाइट दी एच, सीधी मतलब नीचे, और नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो यहाँ का प्रेशर होगा पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी ऐसे, ये किया था। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिक्विड एस है और मैं आपको यहाँ से अगर ये हाइट देता, मान लो ए पॉइंट की ये हाइट देता फिर से, तो आप आंसर बोलते पी एटमोसफेयर प्लस एच रो जी, क्योंकि एच वर्टिकल डाउनवर्ड है, जी भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो एच की डायरेक्शन में जी है, बात खत्म। पर मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको इस कंटेनर में ये हाइट दे रहा हूँ टेढ़ी हाइट ऐसे, और हाइट कहाँ दे रहा हूँ, जहाँ पर क्या है, जी अफेक्टिव। तो इसके ऊपर ए पॉइंट का जो प्रेशर बनेगा वो पी एटमोस्फेरिक तो होगा, वो H इंटू रो इंटू जी नहीं होगा, जी अफेक्टिव होगा, क्योंकि H की डायरेक्शन जी अफेक्टिव के साथ जा रही है, ये समझा रहा हूँ। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके सर। ठीक, जैसे सपोज करो आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ जाती है, ये आपके पास फिर से कंटेनर है और ये मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कंटेनर की एक्सेलरेशन है ए, तो ये बेसिकली सूडो फोर्स से लिक्विड पीछे चला गया। पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा क्वेश्चन, इस कोने के पॉइंट का प्रेशर क्या है, कोने का पानी का पार्टिकल ले लो, प्रेशर क्या है, पी एटमोसफेयर, जीरो नहीं है एटमोसफेयर, एयर के कॉन्टैक्ट में है तो भी जीरो नहीं बोलना, क्योंकि जब तक हवा के कॉन्टैक्ट में है तो पी एटमोसफेयर तो आपको नहीं छोड़ेगा, तो यहाँ पर पी एटमोसफेयर है। फिर वो कहेगा ए पॉइंट ले लो, अब ध्यान से देखना ए पॉइंट की हाइट टेढ़ी नहीं गिवन, आपको वर्टिकल गिवन है, और ये मैं जस्ट एरो वैसे शो करता हूँ, पी एटमोसफेयर हर तरफ लग रहा है, तो इसका कोई एरो का सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि पी एटमोसफेयर हर पॉइंट पर लग रहा है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट्स नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये एच हाइट पर ए पॉइंट है, तो मैं ए पॉइंट का प्रेशर निकालना चाहता हूँ। आपको अब प्रेशर निकालने के दो तरीके बताता हूँ। पहला, जो स्टूडेंट वर्टिकल में अपना वर्टिकल में देख रहे हैं, वर्टिकल में ध्यान से देखना इधर, ठीक, वर्टिकल में ये हाइट कितनी है h, वर्टिकल में हाइट h लेके a पॉइंट का प्रेशर सीधा बोलो p एटमोसफेयर प्लस h रो जी, बात खत्म। ये तो बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि h मैंने वर्टिकल लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी g वर्टिकल है, तो यहाँ पर क्या लगाना है, p एटमोसफेयरिक प्लस h रो जी, बात होती है ख़त्म, सही है यहाँ तक। लेकिन अगर कोई ऑप्शन ऐसा ना हो और तुम्हें अपना आंसर हॉरिजॉन्टल में लगाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं, तुम एक पॉइंट ये लो, एक पॉइंट ये लो, मुझे ये बताओ लेफ्ट वाले पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा कि राइट वाले का, लेफ्ट वाले का। याद रखना जब एक्सेलरेटेड मोशन होती है सारा का सारा पानी पीछे प्रेशर लगाता है, क्योंकि सूडो फोर्स से, मान लो ये कंटेनर है, ये रूम है, रूम में पानी है और रूम आगे एक्सेलरेट कर रहा है, तो सारा पानी दीवार पे मैक्सिमम प्रेशर लगाने वाला है, तो जितना पीछे जाएंगे उतना ही प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो इसका प्रेशर इससे बढ़े, कितना बढ़े, पी ए माइनस, यहाँ का प्रेशर क्या है, पी एटमोस्फेरिक, पी ए माइनस पी एटमोस्फेरिक इज एच की जगह एल डेंसिटी इनटू जी नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस में जी नहीं होता, यहाँ पर क्या चल रहा है, ए, यहाँ करेक्शन कर लेना, यहाँ पर आएगा ए, तो आपके पास पी ऑफ ए की वैल्यू पी एटमोस्फेरिक प्लस एल रो ए आ जाएगी। तो मतलब आप अपना प्रेशर का कॉन्सेप्ट हॉरिजॉन्टल में भी लगा सकते हैं,
और साथ में वर्टिकल में भी लगा सकते हैं, कैसे मर्जी निकाल लें आंसर सेम आएगा। तो पार्टिकल तो वही है, चाहे इधर का प्रेशर ले लें चाहे उधर का ले लें तो आंसर सेम आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, वर्टिकल में लगाएंगे तो जी यूज़ करना है, हॉरिजॉन्टल में लगाएंगे तो जी की जगह ए यूज़ करना है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर कैसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखो ऐसा है, वो ना क्वेश्चन देख के है। अब तुम कह रहे हो कि ये मैंने जी इफेक्टिव लिया, मैंने आपको क्वेश्चन में एच दिया ही जी इफेक्टिव के अलॉन्ग, तुम्हारे पास और तरीका क्या है? ना तो मैंने हाइट दी, ना तो मैंने एल दिया, तो ना तुम वर्टिकल लगा पा रहे हो, ना वो हॉरिजॉन्टल लगा पा रहे हो, तुम्हारे पास ऑप्शन ही एच का है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में तुम्हें गिवन क्या है। तुम्हारी तुम ऐसा भी कर सकते हो, ज्योमेट्री लगा के तुम वर्टिकल डिस्टेंस निकाल लो ना, किसने मना किया? थीटा निकाल के निकाल लो, फिर एच ओ जी लगा लेना, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल निकाल लो तो कोई बात नहीं। डिस्टेंस डिपेंड करेगा कि तुम्हें किन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दिया इस और इस पॉइंट के बीच में निकालो, अब बोलो क्या कर लोगे इसमें? इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी ए है, और मैंने ये पॉइंट दे दिया, अब यहाँ पे प्रेशर क्या है? पी एटमोसफेयर। अब तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है, पी ए माइनस पी एटमोसफेयर विल बी इक्वल टू एच रो जी, इफेक्टिव ही करना पड़ेगा। तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? पी एटमोसफेयरिक प्लस एच रो जी अफेक्ट, और तरीका ही नहीं है और कोई, क्योंकि हाइट ही आपको ऐसे ही बनाए। तो यहां पे जैसे ये क्वेश्चन चेंज हो गया। अब क्वेश्चन है